नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, आज से जो है हम भारत की राज व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए जो बुक मैंने ली है उसके जो लेखक हैं वो एम लक्ष्मीकांत जी हैं। और एम लक्ष्मीकांत की जो ये पुस्तक है इसको रामबाण बोला जाता है इंडियन पॉलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि एम लक्ष्मीकांत जी ने जो बुक लिखी है भारत की राज व्यवस्था, इसको कितनी भागों में लिखा है और इसमें कितने टोटल टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे इस किताब की प्रस्तावना और उसकी पृष्ठभूमि से। इसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित जो पुस्तक है भारत की राज व्यवस्था, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही व्यवस्थित रूप में लिखी गई है और इसको पढ़ करके आप अपने देश के बारे में जान सकते हैं, अपने देश भारत को बहुत ही गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जानने और समझने की जो ये प्रक्रिया है इसमें मैं संदीप त्रिपाठी हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। एम लक्ष्मीकांत जी ने समझने के आधार पर इस पुस्तक में 11 खंड प्रस्तावित किए हैं और साथ में एक परिशिष्ट भी प्रस्तावित किया है। अब ये 11 खंड हैं कौन कौन से ये देख लेते हैं और हर खंड में कितने टॉपिक आएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो भाग है ये संवैधानिक ढांचा से संबंधित है, यहाँ पर टोटल 68 टॉपिक है। दूसरा भाग है सरकार की प्रणाली से संबंधित, यहाँ पर टोटल 22 टॉपिक है। तीसरा भाग है केंद्र सरकार से संबंधित, यहाँ पर टोटल 93 टॉपिक है। और चौथा जो भाग है वो है राज्य सरकार से संबंधित, यहाँ पर 48 टॉपिक है। जो पांचवा भाग है वो स्थानीय सरकार से संबंधित है और इसमें आपको 12 टॉपिक देखने को मिलेंगे। भाग 6 है केंद्र शासित प्रदेश और विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें कुल 6 टॉपिक हैं। सातवां जो भाग है उसमें संवैधानिक निकाय की बात की गई है और यहाँ पे 66 टॉपिक है। भाग 8 में गैर संवैधानिक निकाय है जिसमें 44 टॉपिक है। भाग 9 में अन्य संवैधानिक आयाम है, इसमें 14 टॉपिक है। और भाग 10 में राजनीतिक गतिशीलता है, इससे संबंधित 46 टॉपिक है। और आखिरी भाग संविधान की कार्य प्रणाली है, इसमें आपको 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो भाग 1 संवैधानिक ढांचे का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां से ये कनेक्ट होगा। तो इसकी पृष्ठभूमि यानी कि हमारा जो संविधान आज के दिन में हमें दिखाई देता है तो उसका जो है पृष्ठभूमि हमें समझ में आ जाएगा। तो भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन से ही विधि के विधान में ये बात लिखी जा चुकी थी कि भारत देश कब जाकर के आजाद होगा। तो भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन कब हुआ, तो ये हुआ 1600 ईस्वी में। और किस रूप में हुआ, तो ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस उद्देश्य से आई थी, तो इनका जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार करने का था। अब ये भारत में व्यापार करने आए तो इनको कहीं से अधिकार प्राप्त हुआ होगा, तो अधिकार इनको जो मिला तो ब्रिटिशर्स की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ, उनके प्रथम चार्टर से इनको अधिकार प्राप्त था। तो हुआ क्या कि 1764 में एक युद्ध हुआ जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस जीत के अंतर्गत 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। अब ये दीवानी का मतलब क्या है, तो दीवानी का जो मतलब है यहाँ पर इसका संबंध है राजस्व से और न्याय से। राजस्व और न्याय का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चले जाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय शक्ति बनना स्टार्ट हो गया था। तो इसके तहत क्या हुआ आगे चल के कि 1858 में एक विद्रोह हुआ जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बहुत अत्त मचा दिया था तब ये विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह की जब खबर एलिजाबेथ को पता चली तो इसके बाद से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज शासन को लागू कर दिया गया। तो 1858 से लेकर के ये जो ब्रिटिश शासन था ये कब तक रहा, तो ये था 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। और
15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में क्या है कि फिर एक संविधान की आवश्यकता हुई। तो इस संविधान को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 भारत देश का संविधान अस्तित्व में आ गया। लेकिन ये जो संविधान बना, इस संविधान के अधिकांशता जो व्यवस्थाएं थी, जो राज व्यवस्थाएं थी, वो ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण किया गया। तो इसी वजह से ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई और इन घटनाओं का हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो दो भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। तो पहला है कंपनी का शासन, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1773 से लेकर के 1858 तक। दूसरा भाग देखने को मिलता है सम्राट का शासन या फिर ताज का शासन, ये कब से कब तक था इनका कार्यकाल, तो 1858 से लेकर के 1947 तक था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858, इसके बीच में जितने भी एक्ट पारित हुए वो सब हम यहाँ पर देखते हैं अभी। तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और इस अधिनियम का, इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो इस महत्व को हम तीन बिंदुओं में देख सकते हैं, जिसमें से पहला बिंदु है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अहम और पहला कदम था। दूसरा बिंदु है इस एक्ट के द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों की मान्यता प्राप्त हुई। और तीसरा बिंदु है इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो इस अधिनियम के, इस एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो पांच बिंदुओं पर है, अब उसको देख लेते हैं। पहली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। तो सबसे पहले जो गवर्नर बने उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के पास पारित होने से पहले हर प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे, एक दूसरे से अलग रहते थे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा काम किया गया, क्या किया गया कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये बंगाल में की गई। अब इस उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, एक न्यायाधीश थे जो मुख्य थे और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी का कोई भी कर्मचारी हो वो पहली बात तो निजी व्यापार नहीं कर सकता था और भारत के किसी भी व्यक्ति से वो उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता था, ये प्रतिबंधित कर दिया गया। इस नियम के तहत, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी, तो इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसने जो है भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। अब ये क्यों लाया गया, क्योंकि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, कुछ दिक्कतें थी, उसी को करेक्ट करके ये नियम लागू किया गया था। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट और हिंदी में इसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून। अब इस कानून की कुछ विशेषताएं थी तो उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो इस बंदोबस्त कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया और जो कंपनी के जो सेवक थे उनको भी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अब राजस्व संबंधित जो मामले थे, राजस्व वसूली से जुड़े हुए जो मामले थे
ये सभी मामले जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये बंदोबस्त जो कानून था इसके अनुसार क्या हुआ कि कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई वाद विवाद हिंदू से संबंधित है तो हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से उस मामले की सुनवाई की जाए और यदि मुसलमान के वाद से संबंधित है तो उनके निजी कानूनों के हिसाब से समस्या का समाधान दिया जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में ना होकर के कहां पर होगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ होगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया, तो इन्हीं को जो है अधिकृत कर दिया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 सेटलमेंट एक्ट या फिर बंदोबस्त कानून के बाद में 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट की जो विशेषताएं थी उसको देखते हैं। कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उसके प्रबंध के लिए एक अलग से नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, गठन की और इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ देखने को मिला। तो भारत में द्वैध शासन का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। और ये जो नियंत्रण बोर्ड था, इस नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सके। तो इस प्रकार देखेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो था यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। इसके बाद देखते हैं 1786 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि 1746 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जब ये लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने अपनी दो शर्तें रखी। तो पहली शर्त इन्होंने रखी, विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने या फिर ना मानने का अधिकार प्राप्त हो। तो अधिभावी का क्या मतलब है कि मान लीजिए काउंसिल ने कोई निर्णय लिया और लॉर्ड कार्नवालिस को नहीं समझ में आया तो या तो वो उसको ना माने और या फिर उसको चेंज करके अपने हिसाब से उसको कर दे, तो उसी का मतलब क्या हो गया, अधिभावी हो गया। तो दूसरी इनने शर्त रखी थी कि उसे जो है सेनापति या फिर कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो इस अधिनियम में केवल इतनी ही बातें थी जो लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित थी। इसके बाद देखते हैं 1793 का चार्टर कानून। इस कानून के अंतर्गत लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक इसको विस्तारित किया गया। इस कानून के तहत गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई और इस कानून के तहत भारत पर व्यापार के एकाधिकार आने वाले 20 सालों तक बढ़ा दिया गया और इस कानून के अंतर्गत कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और इस कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनके जो कर्मचारी थे उनका जो भुगतान होता था, जो मासिक भत्ता मिलता था, वो भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। 1793 चार्टर कानून के बाद में आया था 1813 का चार्टर कानून, तो उसको देखते हैं अब। तो 1813 चार्टर कानून के अंतर्गत भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन इसमें दो चीजें थी, एक था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। तो इन दोनों आयामों पर एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था, इस पर कंपनी का एकाधिकार था।
इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की और इस कानून के अंतर्गत जो भारत की स्थानीय सरकारें थीं, वो वहां के व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए उन सरकारों को अधिकृत किया और कर का भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। तो 1813 चार्टर कानून के बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, तो उसको देखते हैं। तो ये जो अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भारत जो ब्रिटिश के अधीन था यानी कि ब्रिटिश भारत, तो उस समय केंद्रीकरण की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी कि जैसे पहली एक विशेषता थी इसकी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां सम्मिलित थीं। ये अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया कि जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से हटा दिया, वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीम शक्ति प्रदान की, असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। तो इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जो कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रही थी, तो उनकी जितनी भी गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दी गई और यह पूर्ण रूपेण प्रशासनिक निकाय बन गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वो ये था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद में 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, तो अब उसको देखते हैं। तो 1793 से लेकर के 1853 के बीच में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये आखिरी अधिनियम था और संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। और इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं हम उसको अब देखते हैं। तो पहली इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और इस अधिनियम के तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद बोला जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का एक प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से वो प्रावधान वहीं पर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में जो ये सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता थी उसकी व्यवस्था का इसमें आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। अब जो पूर्व के जो नियम आए थे उसमें क्या था कि समय का निर्धारण था, लेकिन इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे एक बात एकदम स्पष्ट थी, ये बात एकदम क्लियर थी कि संसद कंपनी के शासन को कभी भी किसी भी समय में समाप्त कर सकता है। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कुल 6 सदस्य थे, तो 6 सदस्यों में से जो 4 हैं, 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। तो इतने अधिनियम एक्ट थे
कि जो कंपनी के शासन के समय में थे, यानी कि 1773 से लेकर के 1858 तक थे, आज की वीडियो में कंपनी के शासन तक ही हमारा कंटेंट है। इसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम सम्राट का शासन या फिर ताज का शासन के ऊपर डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।